मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से प्यार से अभिवादन करता हूँ। आज का दिन मेरे जीवन में खास दिन है। मार्च महीना की 18 तारीख 1972 ठीक इसी दिन में ही प्रभु ने अनुग्रह से उद्धार किया। मेरे पापों से मैंने उद्धार पाया। यीशु ने अपने संतान के रूप में मेरे पापों को धो के मुझे ग्रहण किया था। उस दिन से आज तक प्रभु अद्भुत रीति से मुझे अगुवाई किया। आपका अनुभव क्या इस प्रकार है? क्या यीशु को आपने ग्रहण की है? क्या इस प्रकार के अनुभव को प्राप्त किए हैं? यशायाह 43 अध्याय का पहला वचन में प्रभु कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मैं यीशु का बेटा, यीशु की बेटी। इसी दिन में प्रभु ऐसे अनुभव को मेरे दिल में दिया है। उस शांति को प्राप्त करने के लिए क्या मैंने पैसा खर्चा की? क्या इधर उधर दौड़ा धूप किया? क्या अपने शरीर को मैंने तकलीफ दिया है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उस ईश्वरीय शांति को प्राप्त करने के लिए मैं प्रभु के पास, जी हाँ, उनसे घुटना टेक के प्रार्थना किए तो प्रभु ने मेरे दिल में शांति को देने वादा किया है। आपको मालूम है, मैं घुटना टेका, मैं प्रार्थना किया, प्रभु ने कहा तू अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता। मैंने कहा मैं शराब तो नहीं पिया और कुछ भी पाप नहीं किया, लेकिन जब परमेश्वर के सन्मुख में मैं घुटना टेक के प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने मेरे हृदय की गहराई के रूप में खोल के दिखाया। मेरे अंदर की गुस्सा, ईर्ष्या और लुचपन, ये सभी बातें मेरे अंदर अंदर छिपा हुआ था। उस पापों को प्रभु ने बताया। मैं रात भर गिड़गिड़ा के रोते रहा। मैं रोते रोते प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे पापों को तू क्षमा करना, मैंने अनजाने में इस पापों को किया। तो सुबह सुबह परमेश्वर ने अपना नाम लेके मुझे बुलाया और उन्होंने कहा मैं तेरे पापों को क्षमा किया, हे बेटे करके बुलाया। बस परमेश्वर ने जैसे ही मुझे अपने बेटे संतान के रूप में ग्रहण किया तो मेरे दिल की सारे बोझ दूर हट गए। मेरा पाप प्रभु ने क्षमा कर दिया। मेरे अंदर एक निश्चयता आ गया, परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया। मेरे दिल में परमेश्वर ने एक ईश्वरीय शांति को दिया है। उसके बाद मैं बहुत ही खुशी के साथ अभी तक उस आशीष को, उस उद्धार को बरकरार रखा है। प्रभु ने जो मुझे उद्धार दी 1972 से अभी तक उद्धार का आनंद प्रभु ने मेरे दिल में दिया है। प्रभु आप ही से कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पापों को क्षमा करके मेरे पास रखने के लिए मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ। क्या परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए तैयार है? अपने हृदय में हाथ रखे, ये यीशु तू मेरे दिल में आना है, मेरे पापों को धो के आज तू शुद्ध करना है। क्या आज प्रार्थना करने के लिए तैयार है? हे प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो कोई अपने पापों को अंगीकार करके पछतावा के साथ प्रार्थना करते हैं, आज इनकी पापों को तू क्षमा करना है और बेटा और बेटी के रूप में ग्रहण करना है। इनके पापों को आज दूर करता स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना मांगते पिता, आमीन आमीन।